एक राज्य में योगी के बुलडोजर का खौफ है तो दूसरे राज्य में शातिर माफियाओं का बोलबाला। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस किस राज्य की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब की, वही पंजाब जो इन दिनों अपने लच्चर कानून व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। तभी तो यहाँ दिन दहाड़े किसी लोकप्रिय सिंगर की छातियों पर 30 राउंड की फायरिंग से उसे छलनी कर दिया जाता है। पंजाब पुलिस हाथ पर हाथ धरे सिस्टम का हवाला देती है। आखिर क्यों केजरीवाल अपनी आंखों पर सियासत की काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं? आखिर जब दुनिया योगी मॉडल की सराहना कर रही है तो फिर केजरीवाल क्यों कतराते हैं योगी के मॉडल को स्वीकार करने के लिए? क्या दिक्कत है केजरीवाल को कि योगी मॉडल से वो किनारा कर रहे हैं? वैसे भले ही केजरीवाल उन्हें नापसंद करते हो, लेकिन पंजाब की कानून व्यवस्था की बदहाली शायद कुछ और ही इशारा कर रही है। इशारा इस बात का कि तुरंत योगी मॉडल जल्द से जल्द पंजाब में लागू कर दिया जाए। आखिर क्यों लोग योगी मॉडल की दुहाई दे रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों की जनसंख्या को मिला भी दें तो भी यूपी की आबादी से कई गुना कम है। ऐसे राज्य में अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को योगी के मॉडल ने सलाखों के पीछे धकेल दिया तो फिर पंजाब के ये शार्प शूटर किस खेत की मूली हैं? शायद ये बात केजरीवाल समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज हकीकत यह है कि बड़े से बड़े माफिया बाबा के बुलडोजर से खौफ खाते हैं। आपको बता दे कि भगवंत मान की अप्रैल में जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने राज्यों के एसएसपी और कमिश्नर को लेटर जारी कर दिया और कहा कि गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। तब उस वक्त आम आदमी पार्टी ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स मूसा वाले की हत्या के समय कहां थी? यही सवाल आज पूरा पंजाब पूछ रहा है। पंजाब की जनता भी अब सोचने पर मजबूर है, क्योंकि पंजाब में 2 महीने के भीतर ही 21 से ज्यादा दर्दनाक हत्याएं हो जाती हैं। लेकिन पंजाब सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि आप सरकार योगी मॉडल से परहेज कर रही है। देश हो या फिर विदेश, हर कोई योगी की कानून व्यवस्था का लोहा मान रहा है, लेकिन भगवंत मान क्यों बात नहीं मान रहे, ये हैरानी की बात है। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी योगी के कायल हो गए, तब मान साहब को दिक्कत क्या है? ये तो हकीकत है ना कि योगी राज से पहले किसी समय यूपी के हालात पंजाब जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन जब से योगी ने मोर्चा संभाला, मानो अपराधी और अपराध दोनों पानी मांग रहे हैं। कुछ तो बुलडोजर के खौफ से थाने जाकर खुद सरेंडर कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि बदमाशों को जिंदगी से मोह नहीं होता, तो वो यूपी में देख ले कि जान हथेली पर आई तो फिर लेने के देने पड़ गए। यूपी की कानून व्यवस्था पर जरूर नजर डाल लेनी चाहिए उन लोगों को जो योगी के मॉडल को मानते नहीं है। हालांकि केजरीवाल सीसीटीवी पर जोर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इससे अपराधियों को पहचानने में मदद मिलेगी, लेकिन योगी के राज में अपराधियों के मंसूबों पर ही पानी फेर दिया जाता है। क्या वाकई में योगी मॉडल की तरह पंजाब की पुलिस को अपराधियों पर कहर बनकर नहीं टूटना चाहिए? याद कीजिए साल 2019, जब केजरीवाल ने साफ किया था कि बिना किसी राजनीति के हम सबको दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए काम करेंगे। सभी इंटेलिजेंस सरकारों और पब्लिक को मिलकर काम करना होगा। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने कहा कि इसे लेकर बैठक बुलाई जाए, दिल्ली कमिश्नर के अलावा मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाए ताकि सुझाव दे सकें। ये उस समय की बात थी जब 2020 में दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब हुई थी। अप्रैल 2022 में पंजाब के अधिकारियों के साथ केजरीवाल ने बैठक की तो बहुत सियासत हुई। तब सीएम ने कहा था कि दिल्ली ने पंजाब के साथ एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किया है। इसके अंतर्गत दिल्ली और पंजाब दोनों राज्य आपस में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सूचनाओं का तकनीकी ज्ञान साझा करेंगे। हालांकि अगर सीएम ने यही बैठक कानून व्यवस्था को लेकर की होती तो ज्यादा बेहतर होता। आज हालात वाकई पंजाब के सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सवाल इस बात का कि क्या योगी मॉडल अपनाने में भगवंत मान देर तो नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।